जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पर है। इस वीडियो में मैं एक एक शब्द बहुत सोच समझ करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं और इतने साधारण शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ये बात समझ आ जाए, एक साधारण व्यक्ति को भी बात समझ आ जाए और एक महाज्ञानी है उनको भी ये बात समझ आ जाए। दर्शकों, हाल ही में आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, अमेरिका एक वायरस डेवलप कर रहा है जो कोरोना से भी ज्यादा घातक है और सुनने में ये आता है कि 100 में से 80 लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे यदि वो वायरस पूरी दुनिया में फैला तो। यानी इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट अमेरिका कर रहा है। अब बहुत सारे लोग चिंतित भी होंगे और होना स्वाभाविक भी है। एक घटना हम देख चुके हैं, चाइना के वुहान लैब से वायरस निकला और पूरी दुनिया में क्या तबाही मचा के गया है। तो बात आती है कि क्या ये नया वायरस जो अमेरिका डेवलप कर रहा है क्या पूरी दुनिया में फैल जाएगा? क्या मानव सभ्यता वास्तव में संकट में है? क्या ग्रहों की परिस्थिति ऐसी बनती है? दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज का आकलन दूंगा और बहुत सटीकता से दूंगा। यह बात तो निश्चित है कि 2018 से ही ग्रहों की परिस्थितियां बदलना शुरू हुई थी और अंत इनका 2027 में जाकर के होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच के अंदर, इन 2018 से 2027 के बीच में बहुत बार ऐसी महाविनाश वाली परिस्थितियां बनेंगी जो मानव के लिए चिंता जरूर पैदा करती है। कोविड का पहला फेज, कोविड का सेकंड फेज हम देख चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय के अंदर जो परिस्थितियां बनेंगी वो विश्व के लिए चिंताजनक है, लेकिन इन परिस्थितियों के अंदर दो विकल्प हमारे सामने निकल करके आते हैं। पहला ये, क्या कोई न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, परमाणु बम का प्रयोग होगा, क्या उससे इस दुनिया के अंदर महाविनाश की लीला लिखी जाएगी? या अमेरिका जो एक वायरस डेवलप कर रहा है, क्या इससे आने वाले समय में दुनिया के अंदर तबाही होगी? एक प्रश्न हमारे सामने जरूर आता है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर से पहले एक छोटा सा आकलन मैं ज्योतिष आपको देता हूं। परिवर्तन का मुख्य कारण शनि की स्थिति है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण जिसमें इस संसार के अंदर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, यानी हमें किसी मास्क की जरूरत पड़े जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उसके बिना हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, शुद्ध हवा हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाहर के वातावरण की वायु इतनी दूषित होगी कि हम ढंग से सांस ही नहीं ले पाएंगे। ऐसे में जैविक हथियारों का प्रयोग हो और किसी ऐसे रासायनिक हथियारों का प्रयोग हो, इसकी संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि शनि की प्रक्रिया इसी तरह की तरफ इशारा करती है। यानी शनि टीबी जैसे रोग देता है, शनि नसों से संबंधित परेशानी देता है, शनि घुटनों से नीचे यानी आपके चलने की गति को ही धीरी कर दे ऐसे रोग देता है। और ऐसे में परमाणु बम का यदि प्रयोग होता है तो जो विनाश लीला होगी वो अलग तरह की होगी। ऐसे में परमाणु बमों का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में हो महाविनाश के अंदर, और जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों का प्रयोग ज्यादा हो, इसकी संभावना बनती है। अब यदि एक देश परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा तो सामने वाले के पास भी परमाणु हथियार हैं, तो वो भी अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, तो ये महाविनाश की लीला दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन व्यक्ति ये सोचेगा या कोई राष्ट्र ये सोचता है कि हम ऐसे हथियारों का प्रयोग करें जिनका तोड़ सामने वाले के पास ना हो और जिसको काउंटर करने में उनको बहुत दिक्कत आए, ऐसे हथियारों का प्रयोग
आने वाले समय के अंदर विनाश लीला के रूप में हो, इसकी संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि यह शनि की प्रक्रिया है। देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति बनेगी, जिस राशि में बनेगी, उसके आधार पर मैं आकलन आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय बाकी है। अब यह तो हो गया ज्योतिष आकलन। अब बात आती है कि महाविनाश अगर हुआ तो कितना होगा। एक प्रश्न आप लोगों के मन में भी होगा कि अगर ऐसा हुआ, ऐसे घातक रासायनिक हथियार बने कि जिसमें 100 लोगों में से 80 लोग मर जाए, अगर ऐसे अमेरिका हथियार बना लेगा या ऐसे वायरस का प्रयोग अगर उसने दुनिया के लिए कर दिया, तो इस धरती का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा। एक प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता है। तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत काल के अंदर इस संसार को कितना नुकसान होगा, क्या ये कोई जानता था? अगर ऐसा पता होता लोगों को, तो क्या महाभारत होती? भगवान श्री कृष्ण को पता था, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया युद्ध को रोकने का। लेकिन अगर यही सब कुछ दुर्योधन को पता होता कि इस युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा, तो क्या वो ऐसी मूर्खता करता? लेकिन व्यक्ति भविष्य के गर्भ में क्या है ये नहीं जानता, इसीलिए व्यक्ति हठधर्मिता करता है, अहंकार में जीता है। उसे लगता है कि युद्ध तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं सर्वशक्तिमान हूं। क्योंकि वो अपनी शक्ति की तुलना हथियारों से, सेना से और अपने संसाधनों से करता है, अपना आकलन इस आधार पर करता है, और इसीलिए वो मात खाता है, क्योंकि महाविनाश के युद्ध के अंदर प्रकृति सारे नियंत्रण अपने हाथ में लेती है। अगर पांडवों को यह पता होता है कि इस युद्ध के पश्चात उनके पांचों पुत्रों का विवध हो जाएगा, तो क्या पांडव युद्ध के लिए तैयार होते? नहीं होते। यानी इस महायुद्ध के अंदर परिणाम किसी को भी नहीं पता था सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। और जब अंत ऐसा हुआ महाभारत काल के अंदर उस युद्ध के पश्चात, तो हर व्यक्ति सिवाय पश्चाताप के कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जो महामंजर उन लोगों ने देखा, इसकी कल्पना तो उन्होंने नहीं की थी। अब इससे और पहले चलते हैं। रामायण काल के अंदर अगर रावण को यह पता होता कि उसके सारे कुल का ही सर्वनाश हो जाएगा, तो क्या रावण ये गलती करता? वो कभी भी गलती नहीं करता। लेकिन युद्ध के पश्चात रावण को भी बात समझ आ गई कि उसने गलती की है, लेकिन तब एक कहावत याद आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब समय खराब होता है, महाविनाश की लीलाएं लिखी जाती हैं, तो यह आप पर, हम पर निर्भर करता है, यानी हम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि हम उस महाविनाश की लीला में कितना नुकसान अपना करेंगे, ये हमारे अपने हाथ में होता है। रावण यदि सुरपनखा के नाक काटने के बाद यदि समझ जाता, तो उसके सारे कुटुंब का सर्वनाश नहीं होता। अपने और भाइयों के वध के बाद भी अगर उसे समझ में आ जाती, तो शायद महाविनाश नहीं होता। लेकिन वो एक हारे हुए जुआरी के तरह दाव पे दाव लगाता चला गया, और जब वो अपना सब कुछ हार गया, तब उसको समझ आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। महाभारत में भी यही हुआ, जब दुर्योधन अपना सब कुछ हार गया, तब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। और इस समय पर भी यही होगा, किसी को कोई बात अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन समझ तब आएगी जब हम अपना सब कुछ खो चुके होंगे। यानी महाशक्तियां अपना सब कुछ खो चुकी होंगी, बर्बादी की कहानी लिख चुकी होंगी, तब उन्हें यह समझ आएगा
कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन यदि उससे पहले ईश्वर करे उन्हें ऐसी सद्बुद्धि मिल जाए और वो किसी भी स्तर पर आकर के अपने इन कदमों को यदि रोक लेंगे, ठीक है, जो नुकसान हुआ हो गया, लेकिन हमें आगे इस तरह की विनाश लीला नहीं लिखनी है, तो नुकसान वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि प्रकृति एक सीमा के बाद में अपना हस्तक्षेप वहां करती है, उससे पहले नहीं करती है। क्योंकि प्रकृति को हमसे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये प्रकृति तो उसने हम सबके लिए ही ये सारी चीजें बनाई है प्रकृति ने, कि हम इसका पूरा आनंद ले सके, लेकिन हम ही हैं जो उसको चैलेंज करते हैं और एक सीमा के बाद ही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और फिर हमें वो सबक सिखाती है जिस सबक को फिर हम हजारों साल तक याद रखते हैं। हजारों साल के इतिहास के बाद में फिर हम वही गलतियां करते हैं, फिर एक युग परिवर्तन का दौर आरंभ होता है और यही प्रक्रिया संसार में चलती है। इसीलिए दर्शकों, इस महाविनाश की लीला की कि नुकसान इस संसार को कितना होगा, सिवाय हम लोगों के ही प्रयास के, यानी इस संसार के लोग कब अपनी बात को समझेंगे, कब अपने कदम रोकेंगे इस महाविनाश की तरफ जाते हुए, वही हमारे विनाश की लीला के अंदर हमारे नुकसान को तय करेंगे। क्योंकि विनाश लीला के अंदर प्रकृति किसी भी नियम को फॉलो नहीं करती है। जब महाविनाश होता है तो फिर प्रकृति ये नहीं देखती है कि इसकी कुंडली में, उसकी कुंडली में, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का, ये बच्चा, ये बूढ़ा, ये जवान, प्रकृति कुछ नहीं देखती है। तूफान जब आता है तो पूरे शहर में तबाही होती है, अमीर के घर में अलग, गरीब के घर में अलग, छोटे के साथ अलग, बड़े के साथ अलग, ऐसा वो नहीं करती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दर्शकों कि इस संसार के अंदर, इस महायुद्ध के अंदर हमें कितना नुकसान होगा ये हम तय करेंगे। क्योंकि हम जितना प्रकृति को चैलेंज करेंगे, परमात्मा को चैलेंज करेंगे, महाविनाश उतना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ऐसे समय में वायरस को डेवलप करना, इसे आप आ बैल मुझे मार अगर इस कहावत के साथ नहीं जोड़ के देखेंगे तो कैसे देखेंगे। हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हमारा विनाश करो, और फिर हम दोष देंगे कि ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक एक शब्द बहुत सोच समझ के, सधे हुए तरीके से, सारी मर्यादाओं को समझते हुए, हर धर्म की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, बहुत साधारण शब्दों में आप लोगों के सामने बात रखी है। जिन्हें मेरी आलोचना करनी है वो खुल के करें, लेकिन जो सच है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि किसी एक स्तर पर आकर के प्रकृति सारे नियंत्रण अपने हाथ में लेती है, और उस समय का आकलन भी जरूर होना चाहिए, ताकि हम संसार में स्वयं को आईना दिखा सकें कि हम क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।